हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, डैनी नाम का एक लड़का जिसका केवल एक ही सपना है और वह है एक फेमस सिंगर बनना। और इसके लिए वह हर दिन सुबह सुबह एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्यूटर के यहाँ सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है। और चूंकि उसका ट्यूटर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी कारण से वह एक दिन अपने शहर में मौजूद एम्यूजमेंट पार्क में नौकरी की तलाश में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पेंटिंग का काम दिया जाता है। हालांकि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसके बॉस ने उसे एक बहुत ही आसान काम दिया। उसे केवल उस पार्क में मौजूद एक ट्रेन जिसका नाम था थॉमस, उसे पेंट करने के लिए कहा गया। सबसे पहले डैनी थॉमस को ब्लू कलर से पेंट कर देता है। और फिर लंच के बाद थॉमस के फेस और बाकी के बचे हुए पार्ट्स को पेंट करके शाम होने से पहले वापस अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद उसे याद आता है कि उसका स्मार्टफोन थॉमस को पेंट करते समय उसके अंदर ही छूट गया, जिसके बाद डैनी स्मार्टफोन वापस लाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि पार्क तो बंद है, जिसके बाद वह बाउंड्री पार करके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि थॉमस वहाँ नहीं था जहाँ उसने थॉमस को पेंट किया था, लेकिन वह देख सकता है कि ब्लू पेंट ट्रैक पर पड़ा हुआ है और वह सीधे टनल की ओर जा रहा है, जिसके बाद डैनी अपना फ्लैशलाइट ऑन करता है और उस पेंट का पीछा करते हुए टनल के अंदर चला जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद वह टनल के बीचों बीच पहुँच जाता है और वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वह ब्लू पेंट वहाँ ख़त्म हो रहा था। डैनी चारों तरफ देखता है, लेकिन थॉमस कहीं नहीं था। और फिर तभी पेंट की एक बूंद उसके माथे पर पड़ता है, जिसके बाद वह अपना फ्लैशलाइट ऊपर की ओर करके देखता है। और देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ ऊपर थॉमस एक जाइंट स्पाइडर की तरह अपने बड़े बड़े स्पाइडर लेग्स की मदद से उल्टा लटका हुआ था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक नॉर्मल ट्रेन ऐसा कैसे बन गया, कि तभी थॉमस की आंखें चमकने लगी और उसका गर्दन काफ़ी तेजी से लंबा होने लगा और डैनी के पास आने लगा जहां पर वह खड़ा था। डैनी बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर देता है। हालांकि वह देख सकता है कि थॉमस भी उसका पीछा कर रहा है। दौड़ते दौड़ते डैनी अचानक से ट्रैक पर गिर जाता है। गिरने के बाद वह जल्दी से खड़ा होता है और वह देखता है कि थॉमस उसके पास पहुंच गया है। थॉमस अपने नुकीले स्पाइडर लेग से कई बार उस पर हमला करता है, लेकिन डैनी हर बार उसके वार से बचता रहा। और फिर तभी अचानक से डैनी वहां पर पड़े एक लकड़ी को उठा लेता है और थॉमस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कि तभी टनल के अंदर रोशनी हो जाती है और डैनी को अपने पीछे से एक ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देने लगता है, जिसके बाद डैनी पीछे घूमता है और वह देखता है कि एक लाल ट्रेन काफ़ी तेजी से उसके ही ओर आ रहा था। डैनी को एहसास होता है कि अगर वह ट्रैक पर से नहीं हटा तो वह ट्रेन उसे कुचल डालेगी, इसीलिए डैनी जल्दी से ट्रैक पर से हट जाता है और टनल के दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और उधर थॉमस एक जाइंट स्पाइडर की तरह अपने बॉडी को पैरों पर उठाकर गुर्राना शुरू कर देता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बात यही ख़त्म नहीं होती है। दरअसल वह लाल ट्रेन जो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल गया और अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े और नुकीले दांत मौजूद थे। और ये ट्रेन और कोई नहीं बल्कि ट्रेन ईटर था, जिसके बाद थॉमस और ट्रेन ईटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। और डैनी इसी का फायदा उठाते हुए टनल से बाहर निकलने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। Run. डैनी
जैसे ही टनल से बाहर निकलने वाला होता है जी, तभी थॉमस जंप करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने स्पाइडर लेग से उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक से ट्रेनिटर पीछे से आता है और उन दोनों को निकल लेता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ट्रेनिटर के अंदर जाने के बाद डैनी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तब भी वह हार नहीं मानता है और वहां से बच निकलने के लिए दरवाजा खोजने लगता है। काफी देर खोजने के बाद लास्ट में उसे एक दरवाजा मिल गया और कई बार धक्का देने के बाद आखिर में वह दरवाजा भी खुल गया और डैनी ट्रेनिटर से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद वह देखता है कि ट्रेनिटर थॉमस को लगभग आधा निकल गया था और कुछ ही देर बाद उसे पूरा निकल गया। डैनी लंबी सांस लेते हुए टनल से बाहर निकलने लगता है कि तभी अचानक से ट्रेनिटर जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि थॉमस अपने नुकीले स्पाइडर लेग से ट्रेनिटर के छत को चीरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर बाद वह पूरी तरह से बाहर निकल गया। ट्रेनिटर का क्या हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन थॉमस अपने चिपचिपे मकड़े का जाली फेंक कर डैनी को पकड़ लिया और उसे लेकर टनल के अंधेरे में गायब हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है थॉमस और ट्रेनिटर में सबसे पावरफुल कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्केरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।